हाँ, लेट्स कंटिन्यू। क्योंकि लास्टली हमने पढ़ा कि मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन द बी प्लांट, और हमने वो एक्सपेरिमेंट्स दिखाए कि कैसे जीन कॉम्बिनेशन होती है, कैसे पेरेंट कॉम्बिनेशन वजूद में आती है, कैसे न्यू न्यू कॉम्बिनेशन वजूद में आती है। तो उसी उसी एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर मेंडल ने दो अहम मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट पे दो अहम लॉज दिए। वन वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड अदर वाज लॉ सेग्रीगेशन। हियर पहले हम थोड़ा सा दिखाएंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि हमने पेरेंट कॉम्बिनेशन में देखा टॉल सी टॉल एंड वन वाज डवार्फ, क्योंकि फिर जो कॉम्बिनेशन आई आपको याद है कि ऐसा एक प्लांट भी देखा हमने, देखा दिस वाज द प्लांट। ये प्लांट जो हमने देखा इट वाज टॉप एंड इट वाज हिटेरियोजाइगस टॉप। हाँ, हिटेरियोजाइगस टॉल था ये। तो उसमें क्या हमने देखा, क्योंकि जो यहाँ इसके लिए जीन रहता है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, इसके लिए जो जीन रहता है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। फिर हमने अपने F1 जनरेशन में प्लांट एक देखा, ये देखो उसमें क्या हुआ, ये प्लांट टॉल था क्योंकि इसके लिए हमने बताया कि ये जीन जो है ये डोमिनेट हुआ और दिस जीन विच वाज फॉर द डवार्फनेस। तो इसलिए इसने एक लॉ ऑफ डोमिनेंस निकाला। उसमें क्या रहता है, क्योंकि पेयर ऑफ जीन्स में एक जीन डोमिनेंट रहता है एंड वन जीन इज रिसेसिव, यानी पेयर ऑफ जीन्स वन जीन डोमिनेट्स द अदर एंड द जीन विच एक्सप्रेस इट सेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन एंड विच कुडेंट और विच डिडेंट एक्सप्रेस इट सेल्फ इज कॉल्ड रिसेसिव जीन। तो इसमें क्या देखा, तो ये लॉ जो दिया मेंडल ने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए पेयर ऑफ वन फैक्टर इन ए पेयर ऑफ जीन्स इन ए पेयर ऑफ फैक्टर्स इन ए पेयर ऑफ जीन्स हम कहेंगे इन ए पेयर या वन फैक्टर इन ए पेयर में एक्सप्रेस इट्सेल्फ। इन इन जीन पेयर में क्या होता है कि इनमें से एक एक्सप्रेस होता है एंड एंड प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एंड में एक्सप्रेस इट्सेल्फ एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। उसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ अदर। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो ये फैक्टर रहता है पेयर ऑफ फैक्टर और पेयर ऑफ जीन्स, इनमें से वन फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है करता है और दूसरे की एक्सप्रेशन रोक देता है। सो यह हमने देख लिया इसने एक्सप्रेस किया एंड इसके एक्सप्रेशन को रोक दिया। एंड अकॉर्डिंग टू मेंडल वन जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ जो एक्सप्रेस खुद को करता है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। हाँ, एंड दैट जीन हुज एक्सप्रेशन हैज बीन स्टॉप्ड हियर एक्सप्रेशन हैज बीन स्टॉप्ड इज कॉल्ड रिसेसिव जीन इज कॉल्ड रिसेसिव जीन। सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस इन अ पेयर ऑफ जीन्स वन इज एक्सप्रेसिव एंड अदर इज नॉट एक्सप्रेसिव। सो वो जीन जो एक्सप्रेस होता है उसको कहते हैं हम डोमिनेंट जीन। हाँ, यहाँ टी डोमिनेंट है एंड हुज एक्सप्रेशन इज स्टॉप्ड इज कॉल्ड रिसेसिव जीन। यहाँ है डॉर्फनेस के लिए जो जीन है ये है रिसेसिव जीन। तो उसके बाद है लॉ सेग्रीगेशन जो इसने इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे निकाल दिया। दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। हाँ, ये टर्म भी आप समझो दे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एज पर दिस लॉ द डेफिनेशन इज फैक्टर्स ऑफ ईच करेंट द फैक्टर्स ऑफ
each character segregate or separate, segregate during the gamete formation, during gamete formation, according to this law, the factors of each character segregate during the gamete formation, so that each gamete receives only one factor, each gamete receives one factor for each character and is always pure. For each character and is always pure. ये देखो, जो ये gamete for during the gamete formation में क्या होता है? जब गेमिट्स बन जाते हैं उसमें जो पेयर ऑफ फैक्टर्स रहता है, पेयर ऑफ जीन्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. जो ये जीन्स होते हैं, सपोज दिस इज द पेयर ऑफ जीन्स फॉर वन कैरेक्टर, गेमिट फॉर्मेशन में हमने देख लिया कि ये सेग्रीगेट हो गए, ये सेपरेट हो गए. मियासिस जूरिंग मियासिस प्रोसेस, ये अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. तो उसमें क्या होता है, सो दैट ईच गेमिट, हर एक गेमिट में क्या होता है, एक कैरेक्टर के लिए खाली एक जीन रहता है. सपोज कैरेक्टर फॉर टॉलनेस, जो कैरेक्टर है टॉलनेस है गेमिट फॉर्मेशन में, क्योंकि टॉलनेस के लिए पेयर ऑफ जीन रहता है. ये देखो, वी हैव गॉट पेयर ऑफ जीन्स फॉर द टॉलनेस. सपोज टॉलनेस के लिए पेयर ऑफ जीन्स. गेमिट फॉर्मेशन में क्या होता है, जब गेमिट फॉर्मेशन होती है तो ये सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं. तो एक गेमीट खाली एक जीन इस करे एक सिंगल कैरेक्टर के लिए हासिल कर लेता है. ये देखो, अब ये पेयर नहीं रहा, अब ये अलग अलग हो गए. गेमीट ज्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन ज्यूरिंग मियासिस और ज्यूरिंग सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, व्हाट वी कॉल्ड गेमीट फॉर्मेशन. तो उसमें क्या होता है, ये दो अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया. अब ये पेयर नहीं रहा, अब एक खाली ये सिंगल रहा, हो गया, ये सेग्रीगेट हो गए. और दिस मीन्स, जब एक गेमीट ने खाली एक फैक्टर रिसीव किया फ्रॉम द पेयर ऑफ जीन्स, एंड ये हमेशा प्योर होता है, इट्स प्योर, प्योरिटी, ये हमेशा प्योर, इट्स नॉट मिक्स्ड विद अदर जीन. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गेमीट्स, इट्स ऑलवेज प्योर. सपोज आई विल मेक इट एडिशन बाय अदर बाय अनदर वे. क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, क्या बताया इसने, जो ये पेयर ऑफ जीन्स होता है गेमीट फॉर्मेशन में, ये पेयर नहीं रह जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं. अलग अलग कैरेक्टर्स के जो पेयर ऑफ जीन्स रहते हैं, ये सब अलग हो जाते हैं ज्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन. तो एक गेमीट खाली एक फैक्टर को रिसीव करता है फॉर ईच कैरेक्टर, नॉट द पेयर. सपोज ये देखो, ये यहाँ सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए, ये हो गया अलग, अब ये पेयर नहीं रहा, it all remained a single gene for each character. जब ये फिर gametes during fertilization, जब fertilization होगी तो फिर ये pair बन जाएगा. ये देखो, so that they can control a single character. ये देखो, जब ये अलग हो गए, segregate हो गए as a pure gene, फिर जब fertilization होगी, जब ये combine हो जाएंगे as during the gamete fertilization, क्या होगा, जब ये fertilizations हो गए तो फिर ये दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, एंड इट विल फॉर्म पेयर अगेन. सो दिस वाज द लॉ सेग्रीगेशन. सपोज क्या होता है, जो ये पेयर ऑफ जीन्स रहता है, ये अलग हो जाते हैं, दे गॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू सेपरेशन ऑफ देयर होमोलॉगस क्रोमोसोम. क्योंकि मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम्स पे पेयर ऑफ जीन्स रहता है ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन. सपोज दिस इज टी एंड ऑन अपोजिट साइड इज टी.
क्योंकि ये एक ही पेयर रहता है, जो ही गैमेट फॉर्मेशन क्या होती है, जो ही गैमेट बन जाते हैं ये अलग हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, दिस मीन्स जो इन पे जीन्स हैं वो भी अलग हो जाएगा, टी एंड कैपिटल, दिस मीन्स दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. फिर क्या होता है, इट्स ऑलवेज प्योर, इसीलिए तो कहा गया है दिस आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. जब होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो गए, क्योंकि जीन्स प्रेजेंट होते ही है क्रोमोसोम्स पे, जो भी अलग हो गए तो क्रोमो डेफिनेटली जीन्स भी अलग हो जाएंगे. जब जीन्स अलग हो जाएंगे तो पेयर, जो पेयर ऑफ जीन्स रहता है वो डेफिनेटली सेपरेट हो ही जाएंगे. सो दिस मीन्स एक गैमेट के लिए अगर मानो एक क्रोमोसोम रह गया तो उसमें एक करेक्टर के लिए खाली एक ही जीन रह गया. फिर क्या होता है, जब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम फिर से जुट जाते हैं, और वी कैन से दैट जब ये क्रोमोसोम्स गैमेट फॉर्मेशन में, फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होते हैं, फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स, दो अपोजिट गैमेट्स, क्या होता है, फिर ये जब जीन्स होते हैं, मिसाल अब मानो ये और ये क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे से जुड़ गए, सेपरेट हो गए थे, फिर जुड़ गए, एंड दीज जीन्स बिकम पेयर अगेन. सो सपोज ये टी और टी फिर आपस में जुड़ गए, फिर से उन्होंने पेयर बना दिया एंड देन कंट्रोल ए पर्टिकुलर ट्रेट. So this was the law of segregation or purity of gametes. Purity of gametes इसलिए होता है क्योंकि gametes में एक character जो character के लिए pair of genes रहता है, तो उसके लिए हमेशा pure ही होते हैं. It receives only a single factor from each from the pair of genes, which is always pure. ये किसी के साथ mix नहीं होता है. That's why it's called the law of purity of gametes. So these were the two laws which was formulated by Mendel from his experiment. That's called a monohybrid cross. So, thank you.